जनता के मुद्दे तो देश में से उसी समय खत्म हो गए जब भरे न्यूज पर सत्ताधारी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कह दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था केवल शराब से चलती है। तब मैंने चार लाइन लिखी थी, सुनिएगा। पी कर के टल्ली हो जाओ अर्थव्यवस्था भर जाएगी, लड़कर घर में मर जाओगे अर्थव्यवस्था भर जाएगी। कोरोना के समय पे जब ये हुआ था, मंदिर मस्जिद नहीं खुलेंगे, मैं खानों पर भीड़ लगेगी, फल किराने तक बंद होंगे, ना ही तुमको दवा मिलेगी, सभी फैक्ट्री बंद रहेंगी, ना ही तुमको काम मिलेगा, घर पर बैठो चखना लेकर भर भर तुमको जाम मिलेगा। ये इनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी भाषा से आज देश की आत्मा को झजोड़ दिया है। कबीर ने जब ये लोग अपने घर में सो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विदेशों तक अपनी वैक्सीन बेच के लोगों को बचाया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जब ये घर में आइसोलेशन में मौजूद थे तो हमने कार्यकर्ताओं को लेकर रोड पर भोजन बांटने का काम किया। ये लोग घरों पर बैठे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कबीर को कि कोरोना का वो भीषण आपदा इनने याद दिला दी, जब हजारों लाखों लोग पैदल यात्रा करके हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों पर जाने को व्यवस्थ थे, और उनके प्रधानमंत्री ने इतनी नेतृत्व नहीं दी उनके अंदर कि उनके लिए संसाधन जुटाने का काम करते। आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने राजस्थान में, क्योंकि हमारी सरकार थी, हजारों बसों को यहाँ भेजने का काम किया कि कैसे भी उन मजदूरों को बिहार और राजस्थान और तमाम जगह भेजने का काम करें, सुनिए। लेकिन इन्होंने उस पर रोक लगा दी, सारी बसें हमारी खड़ी करवा दी। इन लोगों के अंदर नेतृत्व नहीं थी। हजारों लोगों ने वैक्सीन के कारण और इनकी अव्यवस्थाओं के कारण कोरोना की उस भीषण आपदा में पूरी दुनिया में थूत हुई है। इनको ये भी नहीं पता, ये तो इस भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। जब अभी विदेश में युद्ध हुआ तो वहां से प्रधानमंत्री जी ने लोगों को हवाई जहाज के माध्यम से भारत में लाए, और हम तो छोड़ो, पाकिस्तान के लोगों ने भी भारत का झंडा अगर दिखा दिया तो उनको भी जाने दिया उन्होंने। अभी कह रहे हैं कि शराब बिक्री से रेवेन्यू बढ़ेगा, एक मंत्री ने कहा था, तो उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो यूपी में योगी जी भी बताएंगे वो क्यों शराब बिकवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूपी में शराब नहीं बिक रही, यूपी में ठेके नहीं है। ये सवाल तो योगी जी से पूछना चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर है, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। पर हम फ्री नहीं बांट रहे हैं, हम नींव को खराब नहीं कर रहे, हम फ्री नहीं बांट रहे हैं। पैसे से बिकता 18 साल के बच्चे को नहीं दिया जाता यहाँ, इनके यहाँ 18 साल के बच्चे को भी एक के संग एक फ्री दिया जाता है। ये मैं शालीनता के साथ में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे मित्र हैं भाजपाई, ये कह रहे हैं, तमाम दुनिया की बातें कर रहे हैं, इनसे बात कीजिए नगर निगम की। नगर निगम का चुनाव है, वहाँ यमुना जी प्रमुख मुद्दा है, यमुना का प्रदूषित जल जो है अहम मुद्दा है, वाटर टैक्स अहम मुद्दा है, हाउसिंग टैक्स अहम मुद्दा है, साफ सफाई अहम मुद्दा है, इन पे बात कीजिए। तो इन मुद्दों पे कितना काम हुआ है? देखिए, आपके कैमरे के माध्यम से भी बहुत देर से ये किसी मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहे, केवल जमुना जी की बात करते हैं, जिनको इन्होंने कांग्रेस सरकार ने बेच दिया। हरियाणा में ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसको जल्दी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। हमारी सरकार लगातार सड़क पानी बिजली पे काम हुआ है, मथुरा क्यों नहीं हुआ? आप बताइए इनको, अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए और इनको बताइए, अगर सड़क पानी बिजली की कोई मुद्दा ही नहीं बचा इन पे। इन्होंने टैक्स को 10 गुना बढ़ा दिया, मथुरा के अंदर टैक्स को 10 गुना बढ़ा लिया। इसी बात का जवाब इनको मथुरा की जनता देगी, जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां से ये वाटर टैक्स वसूल रहे। क्या स्थिति है? मैं आपको इस अभी बता देना चाहता हूं, टैक्स नहीं बढ़ा, जो इनके घर घर से कूड़ा उठ रहा है, यहां 9 एकड़ जमीन में जब कूड़े के पहाड़ बन गए थे, इसी कैमरे को घुमाइए, आज वो पहाड़ खत्म हो गया, जब दुर्गंध आती थी किलोमीटर वो खत्म हो गया, वो ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है लगातार। कितने आश्वस्त हैं इस बार आपके भारतीय जनता पार्टी? हम आश्वस्त हैं, हम आश्वस्त 100%। ये लोग क्या बात करेंगे, इनके घर में तो निकले, इनके दो दो प्रत्याशी कांग्रेस के। आप ये बड़ा चर्चा भ्रष्टाचार को यही उजागर कर रहा हूँ, ये जो अवैध कॉलोनियां बनी हुई है सारी, आप दिखाइए कैमरे में, सारी अवैध कॉलोनियां जो खादर की यमुना की गोद में बनी हुई हैं, जो अनौथराइज हैं, वो सब भाजपा के लोगों ने ये कॉलोनियां सारी काटी। कांग्रेस में इस बार ये बड़ी रार आई है कि सिंबल किसी पे है, प्रत्याशी कोई और है, डिस्कासित भी कर दिए गए, फिर भी कांग्रेस के बच्चे। देखिए, भारतीय भारतीय, देखिए देखिए, फिर व्यक्तिगत आते हैं, फिर मैं कह दूंगा कि फूफा जी और ताऊ जी की सरकार है और तमाम इनके घर के लोगों की सरकार। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिसकी जेब में ज्यादा पैसे उसकी टिकट, जिसकी जेब में जितना ज्यादा पैसा उसकी टिकट। ये बिल्कुल आपने अपनी बात कह दी, बिल्कुल अपनी बात, क्योंकि विनोद अग्रवाल जी, क्योंकि विनोद अग्रवाल जी को मथुरा का हर व्यक्ति जानता है कि विनोद अग्रवाल जी
भाजपा के बहुत बड़े नेता के रिश्तेदारी हुई 5-7 साल पहले विनोद अग्रवाल जी को पार्टी में काम करते करते मथुरा में नगर निकाय चुनाव में खासतौर पर कांग्रेस की में ऐसी रार सामने आई है कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को अपने चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा उसको चिन्ह आवंटित नहीं हुआ, लेकिन जो पूर्व यहां पर कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं वो यहां पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मथुरा में मेयर के प्रत्याशी के तौर पर हैं, जबकि जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको निर्दलीय के तौर पर जो चुनाव चिन्ह आवंटित होता है वो चुनाव चिन्ह मिला है। ऐसे में जो मथुरा की जनता है वो भी कांग्रेस की रार को देख रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम गिना रही है, कांग्रेस अपने काम गिना रही है। ऐसे में देखना होगा कि मथुरा की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और मथुरा के विकास में कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ ये आने वाले समय में दिखाई देगा। अपने सहयोगी मोहित के साथ कर्णाल शर्मा, जी मीडिया मथुरा।